Hello students, today we are going to study communication. We have already studied up to chapter number 5. Now open chapter number 6. Chapter number 6 हम पढ़ेंगे आज बच्चों. हमने chapter number 5 तक पढ़ लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ये सारे चैप्टर जो है आपने याद भी कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, है ना बच्चों? कर लिया ना? तो चलिए हम आपसे सुनेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा आपसे ये सारी चीज़ें सुनी जाएगी. तो इसको अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6. ये आपका चैप्टर नंबर 6 है. ओपन चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर 13. एंड चैप्टर नंबर 6 इज टॉकिंग अबाउट गार्डन. गार्डन का नाम सुना होगा, गार्डन यानी बगीचा. यानी आज के इस कम्युनिकेशन की क्लास में टॉकिंग अबाउट द गार्डन, ये चैप्टर का नाम है. गार्डन के बारे में बातचीत. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आशी और रिया ये दो बच्चे हैं और ये आपस में एक दूसरे के गार्डन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बागीचे के बारे में बातचीत कर रहे हैं. तो देखिए क्या बातचीत हो रही है. आशी और रिया दो लड़कियाँ हैं. आशी क्या कह रही है? योर हाउस इज वेरी नाइस. योर हाउस इज वेरी नाइस. तुम्हारा घर बहुत प्यारा है. डू यू हैव अ गार्डन इन योर हाउस. क्या तुम्हारे घर में गार्डन है? देखिए यहाँ पे क्या कह रही है आशी क्या भी. योर हाउस इज वेरी नाइस. डू यू हैव अ गार्डन इन योर हाउस. तुम्हारा घर बहुत प्यारा है. क्या तुम्हारे घर में गार्डन है, बागीचा है? रिया आंसर कर रही है. रिया जवाब दे रही है, यस आई हैव अ गार्डन इन माई हाउस. हाँ मेरे घर में बागीचा है. आशी फिर जवाब दे रही है, विल यू शो मी द गार्डन. क्या तुम जो है मुझे बागीचा दिखाओगे? रिया, यस आपको लेट अस गो टू द गार्डन. हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो लेट अस गो टू द गार्डन, चलो बागीचे चले. आशी, योर गार्डन इज सो ब्यूटिफुल. तुम्हारा गार्डन बहुत ही खूबसूरत है. हु लुक्स आफ्टर योर गार्डन. हु लुक्स आफ्टर, देखभाल करना, कौन देखभाल करता है योर गार्डन, तुम्हारे बागीचे की, तुम्हारे बागीचे की कौन देखभाल करता है? रिया जवाब दे रही है, माई फादर लुक्स आफ्टर द गार्डन. मेरे पापा बागीचे की देखभाल करते हैं. माई फादर लुक्स आफ्टर द गार्डन. आशी, डू यू हेल्प हिम इन गार्डनिंग. क्या तुम उन्हें गार्डनिंग में, यानी गार्डनिंग में तुम हेल्प करते हो? आशी पूछ रही है. रिया, यस आई हेल्प हिम इन गार्डनिंग. हाँ मैं उनको, उनकी मदद करती हूँ गार्डनिंग में, यानी ये गार्डन में जो चीज़ें करनी होती हैं उसमें मैं उनकी हेल्प करती हूँ. आशी, डू यू प्ले इन द गार्डन. क्या तुम गार्डन में खेलती हो? डू यू प्ले इन द गार्डन. देखिए आशी कहते हैं, पूछिए डू यू प्ले इन द गार्डन. क्या तुम गार्डन में खेलती हो? रिया, यस ऑफन प्ले इन द गार्डन. यस आई ऑफन प्ले इन द गार्डन. हाँ मैं अक्सर खेलती हूँ गार्डन में, मैं अक्सर गार्डन में खेलती हूँ. आशी, मे आई आल्सो कम टू प्ले इन योर गार्डन व्हेन आई लाइक. क्या मैं तुम्हारे गार्डन में आ सकती हूँ जब मैं चाहूँ? आशी पूछ रही है रिया से, मे आई आल्सो कम, क्या मैं भी आ सकती हूँ इन योर गार्डन व्हेन आई लाइक, जब मैं चाहूँ? क्या मैं तुम्हारे गार्डन में आ सकती हूँ खेलने जब मैं चाहूँ? रिया, यस व्हाई नॉट. हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं. वी शैल प्ले टुगेदर इन द गार्डन एंजॉय. हम दोनों मिलके गार्डन में खेलेंगे, एंजॉय करेंगे. वी शैल प्ले टुगेदर इन द गार्डन एंजॉय. हम मिलकर गार्डन में खेलेंगे और एंजॉय करेंगे, मज़ा करेंगे. आशी, थैंक यू. आशी उसके बाद से इस चीज़ के लिए शुक्रिया करती है, बहुत बहुत शुक्रिया. जस्ट देन आशीष मदर कॉल्स देम फॉर ब्रेकफास्ट. और तभी आशी याशीज मदर, की याशी की मदर जो है ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें बुलाती है.
तो ये जो है आपने देखा बच्चों चैप्टर है, इसको सबसे पहले तो आप रीड अच्छे से करिए, फिर इसको मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, फिर उसके बाद से इसको याद करिए, ठीक है। इसको याद करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, जितना ही ज़्यादा आप याद अच्छे से याद कर लेंगे उतनी ही अच्छे से आप बोल पाएंगे। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।